अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज के वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे वो व्यूअर्स जो चाहते हैं कम मेहनत के साथ बहुत अच्छी रेसिपी बने और घर वालों और फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ हो, तो आपको आज ये रेसिपी बहुत एंड तक देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना करें। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी और बहुत ही स्पाइसी चिकन बिहारी हांडी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो जनाब, हांडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन मैरिनेट करनी है। मेरे पास एक मिक्सिंग बाउल है, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 kg बोनलेस चिकन। मैंने इसको क्यूब्स में काट लिया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 3/4 cup दही, 2 tablespoons पिसा हुआ पपीता। इसको बहुत ही यमी और बहुत ही मुलायम टेस्ट देने के लिए मैंने ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये है मेरे पास 1.5 tablespoons। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 tablespoon बेसन। वन टेबल स्पून लेमन जूस, 1.5 tablespoons ऑयल। अब इसमें मैं ड्राई मसाले ऐड करूंगी। ड्राई मसाले मेरे पास कुछ इस तरह से हैं कि मेरे पास है 1 tablespoon चिली पाउडर, 1/2 teaspoon रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/2 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक, वैसे यहाँ पे मैंने 1/2 teaspoon लिया है, और 1/2 teaspoon ही मेरे पास गरम मसाला पाउडर है। ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 tablespoon सीख कबाब मसाला। अब इन सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको हाथों से मिक्स करें, स्पैचुला की मदद से मिक्स करें, जिस तरीके से भी मिक्स करें। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। ना, मेरी मैरिनेशन बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी फ्रिज में कोई 1 से 2 घंटे के लिए। मैं इसको अब कवर कर लेती हूँ। अब मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ 1 से 2 घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया था, इसको मैंने पैन में ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मैं इस टाइम पे। वो सीन मेरे से रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो मैंने कहा कि मैं इसको इस तरह से वॉइस ओवर डाल दूँ। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मोटा मोटा काट लिया। यह आपके सालन को एक मैजिकल और एक बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा और बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इसको मैं ड्राई रोस्ट बिल्कुल कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ तक कर लूँ। तो देखिए, अनियन को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। आप इसको, इसका कलर देख लीजिए, इसको इस कलर तक हमें ड्राई रोस्ट करना है। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, मैं इसको कूल होने दूंगी, देन मैं इसको ग्राइंडर में जो है ग्राइंड कर लूँगी। मैंने ग्राइंडर में प्याज को निकाल लिया है। अब मैं इसको 1 to 2 tablespoons पानी के साथ, बहुत ही मामूली से पानी के साथ मैं इसको ग्राइंड करूंगी। ये देखिए, मेरा रोस्टेड अनियन पेस्ट कुछ इतना और इस किस्म का हुआ है। आप इस तरह से इसको पीस लीजिएगा। ये एक मैजिकल फ्लेवर देगा आपकी हांडी को, जो अनफॉरगेटेबल होगा। और लोग आपसे पूछेंगे कि आपने इसमें डाला क्या है। तो चले अब इसके कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 1/2 cup ऑयल, मैं 1/2 cup ऑयल ऐड कर रही हूँ पैन में। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये अपना मैजिकल मसाला ड्राई रोस्ट अनियन। और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी जी। अब इस टाइम पे जब बबल्स आने लगे हैं मसाले में और मैंने फ्लेम को मीडियम लो कर दिया है, मैं ऐड करूंगी ये अपनी मैरिनेटेड चिकन जो 2 घंटे से फ्रिज में रेस्ट कर रही थी। अब ये कुकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है, तो अब हम इसको इस मसाले में ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह।
खुशबू तो अभी से ज़बरदस्त आ रही है। जैसे ही मैंने चिकन को ऐड किया है मसाले में, और बेहतरीन सी आ रही है खुशबू। अच्छा, ये जो हांडी है इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत ग्रेवी भी होगी। ये बिल्कुल सिर्फ चिकन के पीसेस नहीं होंगे, बल्कि थोड़ा जो है ग्रेवी वाला सालन सा होगा, और इसको बहुत आसानी के साथ आप बड़ा अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। ये जो है उन लोगों के लिए जो थोड़ा मसाले के शौकीन होते हैं किसी भी सालन में, उनके लिए भी बड़ी अच्छी है, और जो गोश्त के शौकीन होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है, जो इन दोनों के शौकीन होते हैं ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये एक बेहतरीन डिश होगी इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, प्याज और चिकन बिल्कुल आपस में एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा बस ज़रा इतना कुक करेंगे कि इसका तेल सेपरेट हो जाए, और फिर हम इसको 10 to 12 मिनट्स के लिए कवर करके कुक करेंगे। देन हमारी चिकन रेडी है बिल्कुल। क्योंकि हमने इसको मैरिनेट किया था, तो जब मैरिनेट किया जाता है चिकन को तो वो बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो उसको इतना ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, हमारा बातें करते करते ही जो है वो ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। ये इस बात की निशानी है कि चिकन अब कह रही है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ कुकिंग के लिए, मुझे कवर कर दिया जाए। तो जनाब, हम इसकी बात मान लेते हैं और हम इसको कवर कर देते हैं अच्छे से। 10 to 12 मिनट्स के लिए हमने इसको कवर कर दिया है, तो चलिए मिलते हैं 10 to 12 मिनट्स के बाद। अब हमारी हांडी में बहुत ज़बरदस्त बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, और 10 to 12 मिनट्स हो चुके हैं, हमने इसको कवर कर दिया है, कुक कर रहे हैं। अब इस स्टेज पे हम ऐड कर रहे हैं 4 to 5 मोटी हरी मिर्चें। ये मैंने इसको इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया है। कवर हटाएंगे और इसको ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसको चला लेंगे। बस ये हरी मिर्चों को थोड़ा सा फ्लेवर अप होने के लिए, थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए 1 से 2 मिनट और पकाएंगे हम मीडियम लो फ्लेम पे ही। हटा के हम 2 मिनट इसको तेज़ आंच पे ज़रा कुक करेंगे, ताकि इसकी खूब अच्छी भुनाई भी हो जाए और इसका ज़रा ग्रेवी भी मेंटेन हो जाए, इसी कंसिस्टेंसी भी। जनाब, चिकन की बहुत अच्छी सी भुनाई मैंने हाई फ्लेम पे कर ली है। अब फ्लेम को थोड़ा लो कर दिया है और इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर दे रही हूँ, ठीक है। मैंने एल्युमिनियम का ये पीस लिया, मैंने इसको सेंटर में प्लेस कर दिया। ये मैंने कोयला गर्म किया हुआ था, इसको मैंने एहतियात से इसके अंदर डाल दिया, और अब मैं इसके ऊपर ऑयल डाल के मैंने कवर कर दिया। बेहतरीन सा स्मोकी फ्लेवर आएगा। फ्लेम ऑफ है मेरा, हमारी बिहारी चिकन हांडी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हाजिर है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यमी, कम मेहनत के साथ बहुत ज़्यादा जायके वाली बनने वाली हांडी, चिकन बिहारी हांडी हमारी बिल्कुल रेडी है। और बस इसको गरम गरम नान के साथ या बॉयल्ड राइस के साथ खाइए, और इसको एंजॉय कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत तारीफ़ होगी। और इस हांडी को बच्चे बड़े सब पसंद करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सालन भी है, इसमें चिकन भी है, हर तरह के लोगों के लिए पसंदीदा है ये रेसिपी। अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, और मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।